देखिए, चार ट्रैक्स अवेलेबल हैं मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, और तीन ट्रैक अवेलेबल हैं फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर. इन हाउ मैनी वेज वन कैन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर यूजिंग डिफरेंट ट्रैक? तो बड़ी आसान सी बात है. देखो, बड़े आराम से पहले देखो, कराची से हैदराबाद जाने के ट्रैक, ट्रैक नंबर वन, ट्रैक नंबर टू, ट्रैक नंबर थ्री. आप पहुँच गए हैदराबाद. हैदराबाद से लाहौर जाने के कितने ट्रैक हैं? फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर, बल्कि शुरू में फोर थे, ठीक है. कराची टू हैदराबाद फोर है, हैदराबाद टू लाहौर थ्री हैं. तो टोटल ट्रैक पूछें, अब सोचो क्या बन सकता. पहले मैं यहाँ वन ट्रैक यूज़ करता, वन के बाद वन भी कर सकता हूँ, वन से टू, वन से थ्री, टू से वन, टू से टू, टू से थ्री, थ्री से वन, थ्री से टू, थ्री से थ्री, फोर से वन, फोर से टू, फोर से थ्री. तो फोर थ्री ज़ा आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ट्वेल्व. टोटल कितने ट्रैक फॉलो हो सकते हैं? ट्वेल्व. फिर एक बड़ा अच्छा सवाल है कि टीम आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन लेने हैं 11 प्लेयर्स हैं, तो कितने वेज हैं? तो कैप्टन के लिए 11 वेज हैं, वाइस कैप्टन के लिए 10 वेज हैं. 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या होगा? 110. आंसर क्या होगा? 110. भाई कैप्टन तो कह रहे हैं कि 11 बन सकते हैं ना. अब जो कैप्टन बन गया, वाइस कैप्टन बन सकते हैं? नहीं बन सकता. तो 110 लोग होंगे.